आज हम बहुत ही आसान सा नाश्ता बनाएंगे। इसमें सिर्फ एक कप सूजी और आधे कप बेसन का यूज करके इससे 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। और इसे आप चाहे तो बना के पहले से ही स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप 7 से 8 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। शाम को आप इस तरह बना के रख लें और सुबह में नाश्ते के टाइम इसे सेलो फ्राई करके खाएँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है खाने में और बहुत टेस्टी भी। तो आप सुन सकते हैं कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे 1 बाउल सूजी। जितना हमने सूजी लिया था उसका ही आधा हम इसे यहाँ बेसन लेंगे। यहाँ हम पहले डाल देंगे 1 बाउल पानी। यहाँ पे हम एक ही साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ टोटल इसमें 3 बाउल पानी का यूज करूँगी। इसे अब इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर विस्कर ना हो तो आप फोर्क वाले स्पून से भी मिला सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 2.5 बाउल पानी डाली हूँ, यानी 2.5, बाकी मैं आधा बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाला का यूज नहीं करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप लिए लाल मिर्च की जगह में हरी मिर्च को कट करके भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ डालेंगे 1/2 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे और मसालों का यूज नहीं करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अब हम साइड में रख लेते हैं, तब तक हमारा सूजी अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे चॉपर में मैं ले रही हूँ 1 प्याज और 1 छोटे साइज के गाजर को, और इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ हमारा प्याज और गाजर जो है अच्छे से चॉप हो चुका है, तो इसे भी मैं इसी बाउल में डाल दे रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पे मैं 1/2 बाउल पानी को और एक बार डाल दी। तो यहाँ टोटल हमारा 3 बाउल पानी हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 छोटी चम्मच सरसों, और सरसों को अच्छे से हम पहले पकने देंगे। इसके बाद यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमारा जो बैटर बना था उसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे कंटिन्यू इसी तरह मिक्स करते जाएंगे। इसे पकने में सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है और ये गाढ़ा हो जाता है। तो कंटिन्यू इसी तरह मिक्स करते हुए इसे डो फॉर्म में ले आएंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना जल्दी गाढ़ा हो गया है। तो और थोड़ी देर के लिए हम इसे सिर्फ पकाएंगे। तो यहाँ आप ये पैन छोड़ने लगा है, तो हमारा डो तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे। यहाँ मैं ली हूँ 1 ट्रे जिसमें मैं सेट करूँगी। आप इसकी जगह स्टील की थाली भी ले सकते हैं, उसे भी अच्छे से ऑयल से पहले ग्रीस कर ले और उसके बाद में आप बैटर इस डो को डाल के सेट कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम फैला देंगे। ये जब गरम गरम रहे तभी इसे अच्छे से फैला देना है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रे में मैं इसे अच्छे से चारों तरफ सेट कर ली हूँ। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ ये ठंडा हो चुका है, इस तरह आप छू के इसे देख सकते हैं। और इसके बाद आप इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से छोटे साइज में स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इजीली निकल जाता है।
अगर इसे आपको स्टोर करके रखना है तो आप प्याज को इसमें ना डालें, क्योंकि प्याज से जो है ये ख़राब हो सकता है। और तुरंत अगर इसे बना के खाना हो तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। तो इस तरह आप इसे जीप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के, फ्रीजर में रख के 5 से 6 दिन आराम से खा सकते हैं। तेल को यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक एक करके इसमें डालेंगे। इसमें बहुत कम तेल लगता है, क्योंकि हमारा सूजी और बेसन जो है अच्छे से टाइट हो चुका है, जिसके वजह से तेल इसमें बहुत कम जाता है। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसे इस तरह पलटा लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरह हम इसे पलटाते पलटाते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ हमारा गोल्डन कलर आ चुका है, उसी तरह हम दूसरे तरफ भी पका लेंगे। तो यहाँ दूसरे तरफ भी गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह हम इसे स्ट्रेनर पे निकालेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा निकल जाएगा। तो अब देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और अच्छा दिख रहा। इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। अब इस तरह इसे बना के रात में ही रख ले, और सुबह जब खाना हो तो इसे फ्राई करें और खाएं। तब इसका आवाज़ सुन सकते हैं। नाश्ते को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्प और अंदर से जो है बहुत सॉफ्ट लग रहा है। तब देख सकते हैं, इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लाल वाली चटनी के साथ सर्व की हूँ। ये रेडीमेड चटनी है जो सुपर स्टोर में आराम से मिलती है। ये मैक्सिकन सालसा का इस तरह का एक डिप मिलता है, जो किसी भी नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।